यस नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बड़े अच्छे होंगे, बड़े मुस्कुरा रहे होंगे, बड़े शानदार होंगे, बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं चंदन शर्मा, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग शायद कि सर काफी दिन हो गए हैं, काफी दिन हो गए हैं आपने क्लास नहीं ली, एमएसएन की क्लास नहीं ली। एमएसएन की क्लास को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, तो बच्चों मैं थोड़ा सा बिजी था, बट चलो अब थोड़ा सा समय निकाल के रिकॉर्ड कर देते हैं। लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है और जितना कंटेंट मुझे देना होता है मैं उतना कंटेंट दे नहीं पाता हूँ, है ना। जो 1 घंटे का काम है वो 2 घंटे या 3 घंटे लग जाते हैं लाइव सेशन के अंदर पूरा करने में। तो रिकॉर्डेड सेशन अच्छा है, अपने एक डाउट सेशन रख लेंगे। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हम डाउट सेशन रख लेंगे। जिस भी दिन आप बोलोगे डिसाइड करके आप कमेंट में बता देना मुझे, तो उस दिन अपने सारे जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे एक दिन ले लेंगे, ठीक है। हर हफ्ते में एक क्लास कर लिया करेंगे, लाइव सेशन रख लिया करेंगे जिसमें डाउट ले सकते हैं। बाकी अपने 1 तारीख से ESIC के MCQ सीरीज शुरू करेंगे बड़ी शानदार से, जो पूरी 7 जुलाई 6 जुलाई तक रहेगी। 7 को आपका पेपर है। चलो शुरू करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये शानदार अध्याय। आज जो हम बात करने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लासेज आप देखोगे तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया था, एंड दैट इज द एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस हम पूरा कर चुके हैं बड़ा डिटेल के अंदर, एंडोकार्डाइटिस को हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं डिसफंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, डिसफंक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स। ध्यान से देखना सारे बच्चे, थोड़ा सा मुश्किल है बट इतना भी मुश्किल नहीं कि तुम समझ ना पाओ। जिनके सर के ऊपर से निकलती है बातें, जिनके वो नहीं समझ में आती है बातें ऊपर से निकल जाती है, वो कृपया करके इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। देखो वेंट्रिकल्स के डिसफंक्शन की बात करता हूँ कि वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे तो 2 तरीकों से हो सकता है, या तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है ना। डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, 2 टाइप के डिसफंक्शन हो सकते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, कि या तो कॉन्ट्रेक्शन में दिक्कत है या फीलिंग में दिक्कत है, भरने में दिक्कत आ रही है ना। या तो कॉन्ट्रेक्शन में दिक्कत आ रही है या फिर भरने में दिक्कत आ रही है, 2 काम हो सकते हैं। तो बच्चों सिस्टोलिक डिसफंक्शन को हम बोलते हैं पंपिंग डिफेक्ट, क्या बोलते हैं? पंपिंग डिफेक्ट। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फीलिंग डिफेक्ट, फीलिंग डिफेक्ट, भरने में दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, पंपिंग डिफेक्ट एंड फीलिंग डिफेक्ट। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में ज्यादातर या हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड का इशू रहेगा, लेफ्ट साइड इशू रहता है। और फीलिंग के अंदर हमेशा ध्यान रखना, हमेशा तो नहीं बट ज्यादातर मैक्सिमम टाइम पे राइट राइट साइड का इशू रहता है, राइट साइड इशू रहता है, ठीक है। तो राइट साइड का इशू रहेगा, राइट वेंट्रिकल का इशू रहेगा एज कंपेरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इशू कम रहता है, राइट वेंट्रिकल का ज्यादा रहता है। 2 बातें समझ में आई बच्चों? यहाँ पे याद रखना कि डाइस्टोलिक डिसफंक्शन में जरूरी नहीं है सिस्टोल भी दिक्कत करेगा, मतलब डाइस्टोल की दिक्कत है फीलिंग में डिफेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कॉन्ट्रेक्शंस में भी डिफेक्ट होगा डाइस्टोलिक डिसफंक्शन में। तो डाइस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर नॉर्मल सिस्टोल पॉसिबल है, नॉर्मल सिस्टोल पॉसिबल है कि यहाँ पे सिर्फ डाइस्टोल में दिक्कत मिल सकती है। सिस्टोल की उम्मीद है कि सिस्टोल खराब भी हो सकता है और सही भी जा सकता है, तो नॉर्मल डिस्टोल भी मिल सकता है, नॉर्मल सिस्टोल भी मिल सकता है यहाँ पे, ये बताना चाहता हूँ। बट अगर मैं सिस्टोलिक डिसफंक्शन की बात करूं तो याद रखना ऑलवेज फॉलोड बाय डायस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। इसके अंदर यहां पे दोनों ही चीजें खराब होगी बच्चों, दोनों ही चीजें खराब मिलेगी आपको, याद रखना इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो तो अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो मैं सबसे पहले जो मैं जानना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, वो पढ़ने जा रहा हूं मैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन, डिसफंक्शन। मैं सबसे पहले डायस्टोलिक डिसफंक्शन को पढ़ने जा रहा हूँ, इसको पढ़ने जा रहा हूँ विद नॉर्मल सिस्टोल। सबसे पहले 2 चीजें पढ़ी जाएगी, क्या 2 चीजें पढ़ी जाएगी? डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसके साथ सिस्टोल नॉर्मल है, मतलब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत नहीं है, फीलिंग में दिक्कत है, ठीक है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन फीलिंग में दिक्कत है, सिस्टोल नॉर्मल है। और इन 2 चीजों को पढ़ने के लिए 2 चीजें पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हम मेनली 2 इंपॉर्टेंट चीजों की बातें करेंगे। और वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है बच्चों? एक तो है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और वो भी कौन सा? क्रोनिक, क्रोनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ से हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टिव,
रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। चलो बताओ सोच के जल्दी से, दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? क्या पेरिकार्डाइटिस ज्यादा खतरनाक है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ज्यादा खतरनाक है? सर जहां पे नाम ही रेस्ट्रिक्शन आ गया, और जाहिर सी बात है ज्यादा खतरनाक है, दिस इज मोर सीवियर। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी ज्यादा सीवियर होती है। चलो ये दो बातें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा हम कार्डियक टेम्पोनेट भी पढ़ेंगे, तीसरी बात भी पढ़ेंगे, कार्डियक टेम्पोनेट भी पढ़ेंगे, बट बेसिकली हम डिस्टोलिक डिस्फंक्शन जिसमें सिस्टोल नॉर्मल हो उसमें इन दो की ही बातें करते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये दोनों ही चीजें। पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, डिसफंक्शन, डिसफंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा है? ये मेरा नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखो हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करना कि सर यहाँ पे डायस्टोलिक डिस्फंक्शन का मतलब है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, यहाँ पे फिलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट होगा, फिलिंग डिफेक्ट होगा, फिलिंग डिफेक्ट, है ना? फिलिंग डिफेक्ट होगा कि सर भर नहीं पाएंगे, दोनों ऊपर से नीचे तक भर नहीं पाएंगे, फिलिंग डिफेक्ट होता है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के अंदर। अब इसके कारण क्या होता है, तो ज्यादातर आपको बताया डायस्टोलिक डिस्फंक्शन किस साइड ज्यादा होता है? सर राइट साइड के अंदर ज्यादा होता है, राइट साइड में ज्यादा होएगा, लेफ्ट साइड के कंपेरिजन में राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में ज्यादा देखने को मिलता है। अब होता क्या है इसके कारण, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के अंदर राइट वेंट्रिकल एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना, राइट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है डायस्टोलिक प्रेशर? क्योंकि सर यहां से यहां नीचे नहीं आ पा रहा, तो जाहिर सी बात है धक्का लगाया जाएगा नीचे जाने के लिए उसको, जा नीचे जा भाई। तो राइट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, मेरी बात सुने, अगर राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा बच्चों, तो याद रखना है यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बढ़ने जा रहा है, यहाँ पे राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा। हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगा, राइट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ेगा, हाँ सर बिल्कुल। तो राइट एट्रियम पे प्रेशर बढ़ेगा, और राइट एट्रियम पे प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चों जाहिर सी बात है क्या, राइट साइड, राइट, चलो पहले और लिखवा देता हूँ, राइट एट्रियम पे प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सुपीरियर वेना कावा पे प्रेशर बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा सर। इन्फीरियर वेना कावा पे प्रेशर बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। अब यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा इन पे भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यार फीलिंग है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में सामान आ ही नहीं पा रहा, ब्लड खाली नहीं हो पा रहा, तो जाहिर सी बात है पीछे से वेन्स में से और ब्लड आ रहा है, तो वो ब्लड आएगा कहाँ, प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर कि भैया खाली करने की जगह ही नहीं है, अंदर पाइपों में रखो ब्लड अपना, तो उन पे प्रेशर बढ़ेगा, उन पे प्रेशर बढ़ेगा तो राइट एट्रियम पे प्रेशर बढ़ेगा, तो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब इन पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या राइट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम आ जाएंगे, राइट साइड हार्ट फेलियर सिम्टम आ जाएंगे। और राइट साइड हार्ट फेलियर सिम्टम्स क्या आप सभी को पता है, यहाँ पे पेशेंट को एसाइटिस हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एडिमा हो जाएगा पेशेंट को, एडिमा हो जाएगा, यहाँ पे आपको जेवीपी देखने को मिलेगा, जुगलर वीनस प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे आपको हिपेटोमिगैली देखने को मिलेगा, बिल्कुल सर हिपेटोमिगैली देखने को मिलेगा, बट ये क्रोनिक क्रोनिक काम है, ये क्रोनिक समय लगता है ना, क्रोनिक कोर्स है ये, समय लगता है, ऐसा नहीं चुटकियों में हो गई ये सारी चीजें, इनको होने में समय लगेगा, ठीक है सर, लगा लो समय, क्या बड़ी बात है। चलो ये एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया, तो अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ सबसे पहले कि फर्क क्या क्या होता है। यहाँ पे हम दो बातें करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, और साथ में हम रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात करेंगे। साथ में हम किसकी बात करेंगे, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, देखो चलते हैं क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बातें करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की बात करता हूं, तो क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस किससे होता है सर? क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले पेशेंट को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस में बदल जाता है, समझ आ रही है बात मेरी? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर वही एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में ज्यादातर सिम्टम्स जो होते हैं वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसे होते हैं, जैसे कि एस टी सेगमेंट एलिवेशन होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, है ना?
यहाँ पे फर्क क्या है? फिर से एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो देखो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस को समझने से पहले थोड़ा सा मैं एक्यूट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के बारे में बात कर लेता हूँ। पेरिकार्डाइटिस ध्यान से देखना सारे के सारे, पेरिकार्डाइटिस के बारे में बात कर लेता हूँ। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर सिम्टम्स जो आते हैं वो आता है एक तो एलिवेटेड एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, और साथ में आपको चेस्ट पेन देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। दो चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। बट यहाँ पे सर फर्क क्या है एमआई के अंदर और इसमें? फर्क कैसे पहचाने? दोनों एक ही बात हो गई फिर तो सर, दोनों को पहचानना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, रुक जरा बच्चों। यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो देखने को नहीं मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट V1 लीड में नहीं देखने को मिलेगा। V1 लीड में आपको एलिवेशन देखने को नहीं मिलता, जबकि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में V1 लीड के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको PR डिप्रेशन देखने को मिलता है, PR डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिलती है, याद रखिए। PR डिप्रेशन देखने को मिलता है, ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है, और ये V1 लीड में देखने को नहीं मिलता, ठीक है सर। सर यहाँ पे जो कारण रहता है पेरिकार्डाइटिस का वो ज्यादातर देखने को मिलता है पोस्ट वायरल होता है, पोस्ट वायरल कोज होता है, वायरल इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता है। और पोस्ट वायरल कोज में भी कौन सा वायरस होता है बच्चों? कि बड़ा इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा आपने, कोक्सैकी, COXSACKIE, कोक्सैकी वायरस, ठीक है, या फिर यूरेमिया। यूरेमिया ये दो कोज होते हैं जिसके कारण आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। फिर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जब बार बार आता है ना, जब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के मल्टीपल रिलैप्स होते हैं, मल्टीपल रिलैप्स होते हैं, है ना, तो ये कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। पेरिकार्डियम ठीक हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे एकदम चट्टान जैसा पेरिकार्डियम हो जाता है, रोक लाइक पेरिकार्डियम बोलते हैं, रोक लाइक पेरिकार्डियम। और फिर ये कंडीशन क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर चेंज हो जाती है। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये हो गया आपका एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, और इसके कारण क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस बनता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अगर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के बार बार रिलैप्स आएंगे, बार बार एक्यूट पेरिकार्डाइटिस अगर देखने को मिलता है, तो वो क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं जरा बात करने जा रहा हूँ क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये। क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी पोस्ट वायरल होता है, पोस्ट वायरल होता है बच्चों। और दूसरा इसका जो कारण रहता है वो ट्यूबरक्लोसिस रहता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इफ्यूजन, ट्यूबरक्लोसिस इफ्यूजन, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फ्यूजन। तो पोस्ट वायरल अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर मोस्ट कॉमन कारण क्या जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस इन्फ्यूजन मोस्ट कॉमन कारण जाएगा। अगर पोस्ट वायरल ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन पोस्ट वायरल जाएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ट्यूबरक्लोसिस इन्फ्यूजन जाएगा। क्लियर है बात? चलो देखो क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर आपको फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे? देखो जाहिर सी बात है, अभी सर आपने बताया क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर कौन सा डिफेक्ट है? डायस्टोलिक डिफेक्ट है, डायस्टोलिक डिफेक्ट है। तो फीचर कौन से आएंगे सर? डायस्टोलिक डिफेक्ट के अंदर राइट हार्ट फेलियर के फीचर आते हैं। तो सेम बात, फीचर क्या आएंगे? क्रोनिक राइट हार्ट फेलियर के फीचर आपको देखने को मिलेंगे, क्रोनिक राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एसाइटिस देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको CACH देखने को मिलेगा, ठीक है, माल नरिश हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, माल नरिश टीबी जैसा पेशेंट देखने को मिलेगा, हिपैटोमिगैली देखने को मिलेगी, हिपैटोमिगैली देखने को मिलेगी, ठीक है, कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं क्रोनिक राइट हार्ट फेलियर, मतलब बहुत अच्छी बात है। आगे बताओ इसके अलावा क्या देखने को मिलता है बच्चों? इसके अलावा याद रखना कि यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दिक्कतें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है JVP। अगर मैं JVP की बात करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे आपको शार्प प्रोमिनेंट, ध्यान से देखे सारे बच्चे, यहाँ पे आपको शार्प प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट देखने को मिलता है। सर ये क्या है? मैंने पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो देखना, JVP में पढ़ाया था, ठीक है, टैक्स के बारे में बताया था आपको, टैक्स के बारे में बताया था, और दोनों बातें बताई थी मैंने, एक्स डिसेंट कहाँ देखने को मिलता है और वाई डिसेंट कहाँ देखने को मिलता है, पे टैक्स करके बताया था, PAYTX, पे टैक्स बताया था आपको, एक बार देखिएगा याद आ जाएगा।
यहाँ पे जेबीपी के अंदर अगर देखोगे तो शार्प प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट देखने को मिलता है, और साथ साथ आपको यहाँ पे शार्प प्रोमिनेंट वाई डिसेंट भी देखने को मिलता है। तो पेरिकार्डाइटिस में दोनों चीजें देखने को मिलती है, एक्स डिसेंट भी देखने को मिलेगा, वाई डिसेंट भी देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है, स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है, स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसके अंदर वेंट्रिकुलर प्रेशर जो होता है डायस्टोल के टाइम पे वो फॉल करेगा, राइज करेगा, ऐसे चेंजेस आते हैं। उसको डिटेल में नहीं जाना आपने, वो सिर्फ नाम याद रखना, स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है। आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको वन थर्ड पेशेंट्स के अंदर, वन थर्ड पेशेंट्स के अंदर बच्चों पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलता है। मैंने पढ़ाया था ना पल्सस पैराडॉक्सस, याद करो क्या मैंने पढ़ाया था आपको, पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलता है, पैराडॉक्सस देखने को मिलता है, ये भी पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल बताया था सर पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है ये भी बताया था बच्चों। यहाँ पे पेरिकार्डियल नोक देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल नोक देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पेरिकार्डियल नोक सुनने को मिलता है बच्चों, देखने को क्या मिलता है, सुनने को मिलता है, साउंड होती है पेरिकार्डियल नोक जो आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करूं बच्चों, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे एमआरआई होती है, सारे बच्चे याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट। और अगर ट्रीटमेंट की बात करूं इसके अंदर, तो आप पेरिकार्डियोटोमी करवा सकते हो, पेरिकार्डियक टोमी करवा सकते हो, ठीक है। ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये सारी बातें अगर आपको पता लगी, दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होता है बच्चों। इसके अंदर पेरिकार्डियम लेयर जो होती है वो चिपक जाती है, आपस में एडहेशन हो जाता है उसके अंदर, ठीक हो जाती है पेरिकार्डियम वॉल जो होती है, जिसके कारण फीलिंग ढंग से नहीं हो पाती, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पाल्पिटेशन सबसे पहला सिम्टम होता है, सबसे पहले आपको पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, अरिथमिया बहुत लेट देखने को मिलता है, अरिथमिया भी मिलता है वो बहुत लेट देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल नोक देखने को मिलता है, यहाँ पे एक्स डिसेंट वाई डिसेंट देखने को मिलता है, स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है, सारी बातें मैंने आपको बताई क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। चलो क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की अगर मैंने बात कर ली, तो अपने रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात कर लेते हैं इस साइड पे। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वैसे मैं कार्डियोमायोपैथी में भी पढ़ाता आपको, बट यही पढ़ा देता हूँ ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। देखो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी बच्चों, यहाँ पे कारण क्या होता है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होता है वो एक डिजीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होता है वो एक डिजीज होती है, और इस डिजीज का नाम क्या होता है बच्चों, अमाइलोडियोसिस, सुना होगा तुम लोगों ने, इसका नाम होता है अमाइलोडियोसिस, DOSIS, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। अमाइलोडियोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। बड़ो बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका बच्चों इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन इकट्ठा होने लग जाता है सेल के अंदर, सामान इकट्ठा होने लग जाता है। क्या क्या सामान इकट्ठा होने लगता है सेल के अंदर, क्या क्या चीजें इकट्ठी होने लग जाती है सेल के अंदर बच्चों, आयरन इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। अगर आयरन इकट्ठा होगा तो इसको हीमोक्रोमेटोसिस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हीमोक्रोमेटोसिस बोला जाता है, आयरन का कलेक्शन होने लग जाएगा। यहाँ पे बच्चों ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन का इकट्ठा होना सेल के अंदर, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है उसको पोम्पेज डिजीज बोलते हैं, कौन सी डिजीज बोलते हैं, पोम्पेज डिजीज, ठीक है, पोम्पेज डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है बच्चों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूं, या फिर एक काम करते हैं छोड़ो, इस रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को हटाओ एक बार, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें, यहाँ पे समझ में आएगा ही नहीं। ये मैं आपको कार्डियोमायोपैथी जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें टोटली डिटेल में समझाऊंगा ना, तीन चार टाइप्स क्लासिफिकेशन होते हैं, चारों क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएट करके, वरना ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें, आना छोड़ो। इसकी जगह मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात पढ़ाता हूँ, दैट इज द कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट पढ़ाता हूँ। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी यहीं पे मैं बाद में, इसके अगला टॉपिक जो रहेगा वो कार्डियोमायोपैथी रहेगा पूरा, उस पर पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में पढ़ेगा, मुझे लगता है मैं यहाँ पढ़ा तो दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, वहां एक साथ चीजें समझ में आएगी। देखो कार्डियक टेम्पोनेट की बात करता हूँ, कार्डियक टेम्पोनेट का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है, जो कोज रहता है कार्डियक टेम्पोनेट का, है ना, कार्डियक टेम्पोनेट भी पेरिकार्डियल डिजीज के अंदर ही आता है बच्चों। इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है पोस्ट ट्रोमेटिक इवेंट, कोई भी ट्रोमा हो गया पेशेंट को, किसी भी ट्रोमा के कारण, ट्रोमेटिक इवेंट के कारण, एक्यूट पोस्ट ट्रोमेटिक इवेंट के कारण कार्डियक टेम्पोनेट होता है।
बच्चों इसके अंदर जैसे ही इवेंट होता है इसके अंदर एकदम से क्या बढ़ता है, एक्यूट एकदम से इंक्रीज होता है, क्या बढ़ता है इसके अंदर एकदम से, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ता है, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर। जाहिर सी बात है ट्रोमेटिक इवेंट होता है, कार्डियक टेम्पोरेट कंडीशन का नाम है बच्चों। इसके अंदर बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में पेरिकार्डियल फीलिंग होती है ना, पेरिकार्डियल जो पेरिकार्डियल आपकी लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर, पेरिकार्डियल फीलिंग हो जाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, इसके कारण इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये आपका जो हार्ट होता है, मान लो ये हार्ट आपका, ये हार्ट की लेयर है, ये हार्ट की लेयर है, यहाँ पे प्रेशर लगना शुरू हो जाता है, प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा ना, जो आपके फ्लूड बन गया बाहर वो प्रेशर लगाएगा अंदर की तरफ, और प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पे इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग हो जाती है, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर पुलर फीलिंग, ठीक है, वेंट्रिकल्स फील करना एकदम से इम्पेयर हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर फीलिंग बिगड़ जाएगी एकदम से बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और यहाँ पे अगर वेंट्रिकुलर फीलिंग नहीं होगा तो पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, जो पेशेंट आपको देखने को मिलेगा वो शॉक के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। कार्डियक टेम्पोनेट में कौन सा शॉक देखने को मिलता है, कार्डियक टेम्पोनेट में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है, ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है यहाँ पे पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट में, जिसके अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन के साथ शॉक देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन हो गया, शॉक देखने को मिलेगा, शॉक के साथ आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा, साथ में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ये चार फीचर्स आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में देखने को मिलते हैं, टैकीकार्डिया, शॉक होगा, हाइपोटेंशन होगा, और पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, डिस्निया होता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बैक स्ट्रेट देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बैक स्ट्रेट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों के, व्हाट इज बैक स्ट्रेट, BECKS, बैक स्ट्रेट देखने को मिलता है। बैक स्ट्रेट आपको याद रखना कार्डियक टेम्पोनेट में देखने को मिलता है, बैक स्ट्रेट कहाँ देखने को मिलता है, कार्डियक टेम्पोनेट में देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है बच्चों। साथ में यहाँ पे आपका JVP बढ़ जाएगा, JVP बढ़ जाएगा, साथ में मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगी, मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगी। ये तीन फीचर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर, बैक स्ट्रेट बोलते हैं इसको, हाइपोटेंशन, JVP बढ़ जाएगा, साथ में मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलती है बच्चों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स डिसेंट देखने को मिलता है, ये वाला जो एक्स डिसेंट है ना, सिर्फ ये देखने को मिलता है यहाँ पे, शार्प प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे आपको ना तो वाई डिसेंट देखने को मिलता है, ना ही यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता, ना ही यहाँ पे पेरिकार्डियल नोक देखने को मिलता, ना तो पेरिकार्डियल नोक देखने को मिलेगा, ना ही स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है, ना ही वाई डिसेंट देखने को मिलता है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, TAX पेटेक्स, किससे याद रखो, PAY पेटेक्स से याद रखना है इसको बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है इसको याद रखने का। P4 पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस में वाई डिसेंट इंपॉर्टेंट है, कार्डियक टेम्पोनेट में एक्स डिसेंट इंपॉर्टेंट है, कार्डियक टेम्पोनेट में एक्स डिसेंट इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डाइटिस में वाई डिसेंट इंपॉर्टेंट है, पेटेक्स से इसको याद रखना, पेटेक्स सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इसको याद रखने का, मैंने भी ऐसे याद रखा था, बस यही सवाल आता है किसके अंदर एक्स डिसेंट देखने को मिलता है, किसमें वाई डिसेंट देखने को मिलता है, पेरिकार्डाइटिस में दोनों देखने को मिलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट में एक्स डिसेंट देखने को मिलता है, इसलिए कार्डियक टेम्पोनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सिर्फ एक्स डिसेंट देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात, चलो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने को मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पे सारे के सारे चैम्बर स्मॉल हो जाते हैं, यहाँ पे स्मॉल चैम्बर देखने को मिलता है, स्मॉल चैम्बर, बाहर से प्रेशर लग रहा है तो चैम्बर छोटे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है सारे के सारे चैम्बर छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलती है, पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलता है, वहां पे तो सिर्फ 1/3 पेशेंट में देखने को मिलता है, यहाँ पे मोर कॉमन होता है, यहाँ पे लगभग सभी में देखने को मिलेगा। तो याद रखना कार्डियक टेम्पोनेट में पल्सस पैराडॉक्सस ज्यादा कॉमन होता है, और आप सभी को पता होना चाहिए पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 10 से ज्यादा गिर जाना इंस्पिरेशन के दौरान, मैंने पढ़ाया था
इंस्पिरेशन के टाइम पे सिस्टोलिक बीपी अगर 10 से ज्यादा 10 mmHg से ज्यादा गिर जाता है उस कंडीशन को हम पल्सस पैराडॉक्सस बोलते हैं। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको। और आखिरी में अंत के अंदर अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट के अंदर हम इमरजेंसी इमरजेंसी क्या करवा सकते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस करवा सकते हैं, पेरिकार्डियोसिंथेसिस करवा सकते हैं, इमरजेंसी पेरिकार्डियोसिंथेसिस करवा सकते हैं। जो भी एक्यूमुलेशन है, फ्लूइड इकट्ठा है, वो बाहर निकाल लो, उसको बाहर निकाल सकते हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन में करवा सकते हैं। अब देखो ये दो डिफरेंस मैंने दो आप लोगों को बातें बताई, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोरेट के बीच में डिफरेंस बताया मैंने आपको, बट कुछ ऐसी बातें जो दोनों में सेम है, जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी सेम है और कार्डियक टेम्पोरेट में भी सेम है, वो दो बातें कौन सी, ऐसी कौन कौन सी बातें जो इन दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलती है सर, ऐसी कौन सी बातें जो कॉमन देखने को मिलती है सर, बता दो जरा। चलो मैं बताता हूँ जरा तुम लोगों कौन सी बातें जो सेम देखने को मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कुसुमल साइन। क्या मैंने तुम्हें कुसुमल साइन के बारे में बताया था, KUSSMAUL कुसुमल साइन की बात करी थी क्या हम लोगों ने, याद करो जरा। इंक्रीज इन जेवीपी, जेवीपी का बढ़ना, जेवीपी का बढ़ना ऑन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन के टाइम पे नॉर्मली जेवीपी कम होता है, बट यहाँ पे जेवीपी बढ़ता है, कुसुमल साइन याद करो, याद करो जरा। अरे कुसुमल साइन याद करो, याद आ रहा है क्या बच्चों ये कुसुमल साइन? देखो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करके नोट करके लिखवा देता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ आप सभी को, नोट करके लिखवा देता हूँ। ये कुसुमल साइन जो होता है ये आप लोगों को इंक्रीज कुसुमल साइन देखने को मिलेगा, दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, साथ में आपको रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलेगा, कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलेगा, इन दोनों कंडीशन में देखने को मिलता है। बट ये कुसुमल साइन आपको कहाँ पे नहीं देखने को मिलता, ये कार्डियक टेम्पोनेड में आपको बिल्कुल भी कतई देखने को नहीं मिलता बच्चों, याद रखना। कार्डियक टेम्पोनेड में एक और लाइन ऐड करना, नो कुसुमल साइन, नो के यू, क्या स्पेलिंग है इसकी, KUSSMAUL, नो कुसुमल साइन। कार्डियक टेम्पोरेट में ये साइन नहीं मिलता, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कार्डियक टेम्पोरेट का, कि आपको कुसुमल साइन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जेवीपी इंस्पिरेशन के टाइम पे बढ़ता नहीं है, यहाँ पे इंस्पिरेशन के टाइम पे जेवीपी डिक्रीज करता है, डिक्रीज जेवीपी ड्यूरिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे इंस्पिरेशन के टाइम पे जेवीपी कम होता है बच्चों, याद रखना, क्योंकि कार्डियक चैम्बर पे प्रेशर लगता है चारों साइड से, चारों साइड से प्रेशर लग रहा है, तो जेवीपी यहाँ पे इंस्पिरेशन के टाइम पे कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कुसुमल साइन देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की, तो यहाँ पे कुसुमल साइन पॉजिटिव होता है, कुसुमल साइन देखने को मिलता है, और यहाँ पे साथ साथ रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में भी कुसुमल साइन देखने को मिलता है। क्या ये बात हो जाएगी? कोई ऐसा बच्चा पूरी क्लास में जिनको ये बातें नहीं समझ में आई हो, कोई भी ऐसा बच्चा, एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आप लोगों को, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। देखो मैं फटाफट बता देता हूँ, अभी हमने दो बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी, वन इज द कंस्ट्रक्टिव, देखो हमने शुरुआत करी थी डिसफंक्शन ऑफ वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल के डिसफंक्शन में हमने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन की बात करी, फिर हमने पढ़ा कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन विद नॉर्मल सिस्टोल कौन कौन सी दो कंडीशन में मिलता है, क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में मिलता है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें, जब हम कार्डियोमायोपैथी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने तुम्हें दो बातें इंपॉर्टेंट पढ़ाई, कौन कौन सी, कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड कार्डियक टेम्पोरेट, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिय कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्ट्रक्टिव क्रोनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर पहले एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है, अगर वो बार बार मल्टीपल रिलैप्स देखने को मिलते हैं उससे, तो वो क्रोनिक के अंदर बदल जाता है। क्रोनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कारण पोस्ट वायरल है, अदरवाइज टीबी इन्फ्यूजन है, राइट हार्ट फेलियर, इसके अंदर सिग्नेचर देखने को मिलते हैं कॉमनली। इसके अंदर जेवीपी के अंदर हमें एक्स डिसेंट वाई डिसेंट देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट साइन देखने को मिलता है, पल्सस पैराडॉक्सस 1/3 पेशेंट में देखने को मिलेगा, पेरिकार्डियल लोब देखने को मिलता है, कुसुमल साइन देखने को मिलता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट एमआरआई होती है, एंड पेरिकार्डियोटोमी हमें देखने को मिलती है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर। जबकि कार्डियक टेम्पोनेट की बात करूं तो कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब होता है कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर हमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, फ्लूड भर जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण दिल के ऊपर प्रेशर लगता है, वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर लगने के कारण यहाँ पे पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ जाता है एकदम से, जिसके कारण वेंट्रिकुलर फीलिंग बिगड़ जाती है, वेंट्रिकल्स फील नहीं हो पाते, जगह ही नहीं बचता, प्रेशर बढ़ जाएगा वेंट्रिकल्स का, तो फील होने के लिए टाइम मतलब फील होने के लिए ऊपर से नीचे आने के लिए ब्लड को प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर नीचे से लग रहा है, उल्टा प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर से नीचे ब्लड नहीं आ पाता, फीलिंग नहीं हो पाती ढंग से, वो इम्पेयर्ड हो जाती है।
यहाँ पे पेशेंट के अंदर प्रेजेंटेशन में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के साथ पेशेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है जब फीलिंग ही नहीं होगी तो ब्लड कम जाएगा, यहाँ पे आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन शॉक पे प्लस डिस्निया प्लस टैकीकार्डिया, यहाँ पे बैक स्ट्रेट देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन जेवीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, मफल हार्ट साउंड देखने को मिलता है, प्रोमिनेंट एक्स डिसेंट प्रोमिनेंट होता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जेवीपी ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कम होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे कुसुमल साइन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे पल्सेस पैराडॉक्सिस ज्यादा कॉमन होता है, स्मॉल चैम्बर होते हैं बिल्कुल, और इमरजेंसी पेरिकार्डियोसिंथेसिस किया जा सकता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, समझ आई बात, क्लियर है? चलो, और यहाँ तक बातें क्लियर है तो अगली क्लास के अंदर आपको पढ़ाएंगे कार्डियोमायोपैथी, और अगली क्लास में कार्डियोमायोपैथी को खत्म करेंगे, उसके बाद ईसीजी का टॉपिक खत्म करेंगे, और ये अपने पूरा टॉपिक समाप्त करेंगे कार्डियोवास्कुलर का, ठीक है? तो जुड़े रहें इस परिवार के साथ, देखते रहें क्लास को, धमाकेदार शेयर करें, दबा के शेयर करें, कुछ ना समझ आ रहा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। मेरे नोट्स जो है ये शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं करता, डिटेल में नहीं जाता, बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसका कोई फायदा लगता नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए जुड़े रहें इस परिवार के साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन, स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग विद्यार्थी। हेलो।